हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बी द मास्टर में। मैं हूं जे और आज हम एक और प्रॉब्लम देखेंगे। ये आसुस का फ़ोन है जो कि हमारे पास फ्लैशिंग के लिए आया था, ठीक है। तो इस मॉडल में इशू क्या है मैं आपको दिखा देता हूं कि फ्लैशिंग के बाद जब भी आप कुछ टाइप करते हो ना, तो जो गूगल वॉइस सर्च आता है, ठीक है, वो ऑन हो जाता है। यहाँ पर कीबोर्ड नहीं आता, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कीबोर्ड चाहिए, इसके लिए हमें यहाँ पर कुछ सेटिंग करने होंगे। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और अगर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जब आप फ़ोन को रीसेट करते हो उसके बाद आपको कीबोर्ड देखने को नहीं मिलता, तो आपको क्या करना है, सिंपली सेटिंग के अंदर जाना है और इसके अंदर सिस्टम के अंदर जाना है और फिर लैंग्वेज और इनपुट के अंदर जाना है। मे भी हो सकता है कि आपका फ़ोन डिफरेंट हो तो ऑप्शन थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हमें जाना पे यहीं पर है जहाँ पर लिखा है लैंग्वेज प्रेफरेंसेस, ठीक है। यहाँ पर हमें क्लिक करना है और ऐड इन लैंग्वेज में जाना है। और मैं यहाँ से कोई भी एक एडिशनल लैंग्वेज ले लेता हूँ, जैसे कि मैं इंग्लिश इंडिया ले लेता हूँ पहली वाली, ठीक है। और अब मैं इसको बैक कर देता हूँ। ओके, अब फिर से हम ट्राई करते हैं कि क्या कीबोर्ड ऑन होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, अभी यहाँ पर कीबोर्ड ओपन होने लगा है। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी बहुत ही लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं कि भाई रीसेट करने के बाद अब कीबोर्ड क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। और आप नेटवर्क भी एक्सेस नहीं कर पाओगे क्योंकि आप सर्च करने के लिए भी गूगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए कि आपके पास सिम कार्ड नहीं है और अगर आपको इसके अंदर ऑन द स्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, तो आप एडिशनल कीबोर्ड यहाँ से टाइप सी से लगा सकते हो या फिर आपका जो भी पोर्ट हो, ठीक है, उससे आप फ़ोन को एक्सेस कर पाएंगे और वहाँ से आप कीबोर्ड पर टाइपिंग भी कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप जब डिफ़ॉल्ट यहाँ पे यूज़ करोगे ना, तो ये वो गूगल वॉइस सर्च ही ओपन होगा। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है। सेटिंग्स के अंदर आपको जाना है सिस्टम के अंदर और उसके बाद लैंग्वेजेस एंड इनपुट के अंदर, और फिर यहाँ पर आपको जाना है लैंग्वेज प्रेफरेंसेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ही एक लैंग्वेज ऐड करोगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।